प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए जाने वाले सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने पर शुक्रवार को डूडा के परियोजना निदेशक तेज कुमार ने कड़ा एक्शन लेते हुए लापरवाही के आरोप में एक सर्वेयर को उसके पद से हटा दिया। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला का आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के में पास हुआ था और उसका जियो टैग भी करा लिया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता तथा सर्वेयर की लापरवाही के कारण इस लाभार्थी की धनराशि उसके बैंक अकाउंट में नहीं जा सकी थी। परियोजना निदेशक ने कहा कि इसमें दोषी पाए जाने पर सर्वेयर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब महिला के बैंक अकाउंट में एक सप्ताह के भीतर उसका पैसा भेज दिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डूडा के परियोजना निदेशक तेज कुमार ने कहा, आज समाचार पत्र पढ़ के मुझे संज्ञान आया तो मैं इसको जांच कराई। जांच में ये पाया गया कि महिला गायत्री वाइफ ऑफ दिलीप जो अपने पिता के नाम से फार्म भरवा दी थी, गायत्री टाटर ऑफ मकोई के नाम से फार्म भराई थी और लाभार्थी को मौके पर जाकर देखने पर उसका जो वार्ड में जब गए सर्वे करने वाले लड़के तो उसका जो मोबाइल नंबर जो दिया था DPR में वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बंद पाया गया, जिससे काफ़ी दिन तक ये सर्च नहीं हो पाई। पार्षद के माध्यम से जब इसको ट्रेस किया गया तो मिली तो इसका जियो टैग करा लिया गया। चुनाव से पहले जियो टैग करा लिया, चुनाव में इसका पैसा नहीं जा सका। चुनाव के बाद इसको पैसा चला जाना चाहिए था, परंतु सर्वेयर इसकी पत्रावली कार्यालय में जमा नहीं किया, जिसके कारण इसका पैसा नहीं गया। आज सर्वेयर को जो है इस कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उसको हटा दिया गया है। अब इसका पैसा एक सप्ताह में इसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा।